हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीपी प्रभाकर और आप देख रहे हैं अनोखी पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 2.2 जो हिंदी मीडियम से है, बिहार बोर्ड से भी रिलेटेड है। क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो द्विघात बहुपद हम कब ज्ञात कर सकते हैं, जबकि हमें ए पता हो, बी पता हो, सी पता हो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। क्रमशः दिया तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1/4, -1 ये दिया हुआ है। तो पहला है योगफल, दूसरा है गुणनफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है क्वेश्चन। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा को -b/a भी हम लिखते हैं, क्योंकि शून्यकों का योगफल -b/a होता है। तो -b/a बराबर 1/4। अब थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के हम नीचे आगे चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है यहाँ पे -1, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि गुणनफल क्या होता है शून्यकों का, c/a बराबर -1, ये इतना हमारा है। अब थोड़ा सा हम तालमेल बनाएंगे, यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाना है। हम देख रहे हैं कि -b/a बराबर 1/4, यहाँ हम देख रहे हैं c/a बराबर -1। हम मान लेते हैं कि नीचे एक है, किसी के नीचे किसी भी संख्या का हर एक होता है एक। तो यहाँ a बराबर 4 है, यहाँ a बराबर 1 है, इसे हमें बायलेंस करना है। तो हम बायलेंस कैसे करेंगे, इसको छोड़ेंगे यहाँ पे, ऊपर 4 से गुना कर देंगे, नीचे भी 4 से गुना कर देंगे। अब हमारा अगले स्टेप में आ जाएगा c/a बराबर -4/4। अब यहाँ पे हम चुनाव करेंगे a b c का। अब देखते हैं a बराबर कितना, a बराबर 4, a बराबर 4, दोनों a का मान 4 आ गया, तो ये कंप्लीट है। a बराबर हम लिखेंगे 4। अब b बराबर हम देखेंगे, b बराबर है 1, लेकिन माइनस है यहाँ, तो जो भी यहाँ होगा, अगर प्लस 1 है तो -1, अगर -1 है तो प्लस। क्यों? क्योंकि इसे हम -1 लिख सकते हैं। तो इतना हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, यही हम ध्यान रखेंगे। ये -b/a बराबर ये जो आया, तो b के जगह पर अगर ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ धनात्मक है, प्लस 1 है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर c बराबर है -4, तो ये जितना है उतना रखते हैं। अब हम व्यापक रूप देखते हैं, व्यापक स्वरूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक स्वरूप होता है। तो a बराबर कितना है 4 एक्स स्क्वायर, b बराबर कितना है -1 एक्स, और c बराबर कितना है -4। अब यहां पे कर लेंगे 4x स्क्वायर
माइनस एक माइनस चार, ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। तो आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी में, ये हटाते हैं हम, हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और कमेंट में अपना मत जरूर दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। अब एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर है रूट दू कॉमा एक बटा तीन। तो पहला है योगफल, दूसरा है गुणनफल, क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट दू, और यहां अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए होता है, तो ये रूट दू और बटा में हम एक लिख लेंगे, एक लाइन इसको छोड़ के नीचे और देखेंगे। पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल है एक बटा तीन दिया हुआ है, तो ये हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, ये है एक बटा तीन। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ए बराबर एक और यहाँ ए बराबर तीन, ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसे हम मैच कराएंगे। यहाँ पर ऊपर तीन से गुना कर देंगे, नीचे भी तीन से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा तीन रूट दू बटा तीन, ये तीन आ जाएगा यहाँ, तीन रूट दू बटा तीन, और यहाँ एक बटा तीन जेम का। अब a बराबर यहाँ भी तीन है, a बराबर यहाँ भी तीन है, तो अब आगे हम देखते हैं a बराबर तीन, तो a बराबर हो गया थ्री, b तीन रूट दो है, तो हमें पता है कि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, तो ये माइनस तीन रूट दो, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, केवल b में माइनस करना है। c बराबर क्या है, एक है, तो c बराबर एक। अब व्यापक रूप लिख देंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक स्वरूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बराबर हमारा आया है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर है माइनस तीन रूट दू एक्स प्लस सी के जगह पर एक, तब हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस तीन रूट दू एक्स प्लस वन, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बस दो क्वेश्चन पे हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, और इसके आगे क्वेश्चन में जो है तो इसी तरह से हम कंपेयर करके बनाएंगे, जब ए बराबर हम कंपेयर कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो आगे आप लोग कीजिए, नहीं होगा तो हम इसके आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसका सॉल्यूशन लेंगे। धन्यवाद।